बहुत पुरानी 2020 की वीडियो थी भाई, सो प्लीज गाइस आप इसे ना करो ऐसा। मेरी सॉरी एक कॉल आ रही थी उसकी वजह से मेरी आवाज म्यूट हो गई। तो गाइस मैं अभी 1 मिनट रुक जाऊँ आपको, मैं वो सारी वीडियोस और सॉरी लाइव और सारा वो जो लाइव यूट्यूब पे डली है ना किसी लड़की की इज्जत उछालने के लिए, वो सॉरी लाइव मेरी ऐसे हो गई। 1 मिनट रुको मैं आपको सारी बात बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, मेरी 2020 की वीडियो थी, उस टाइम पे मैं बिहार गया हुआ था भाई। मैं शुरू से ही एक खुल मिजाज मस्ती करने वाला एंजॉय करने वाला एक अलग इंसान था भाई। तो 1 मिनट, एक तो जिनके लिए हमेशा ही लाइव चला लेना वो कभी रहते नहीं ना आते नहीं, किनसे उनका कोई मतलब ही नहीं, ये लाइव किसको चला लूं मैं, उनका नाम भी तो पता होना चाहिए। अरे उनका नाम भी तो पता होना चाहिए जिन इसकी बहन की चूत में एम मुझे तो नहीं देखनी, मजा आएगा एम। एम एक मिनट रुकिए गाइस मैं अभी ऐड करता हूँ उसे। एम तो आ रहा हूँ। पहले से ही दिमाग बैंड कर रहा है, इतना खराब हो चुका है। रुको गाइस मैं 1 मिनट उस आइडिया ढूंढ लूँ जिन्होंने बैठाना, पहले बैंड कर रहा है, दिमाग की पहली बैंड चुट चुकी है। 1 मिनट। MALAI मलाइका, या मलाइका जी 2 मिनट हम वार्तालाप करेंगे। आइए मलाइका जी। हो आ जा भाई। हेलो हेलो, मैम, क्या हाल है जी? हेलो। अबे वेरी ब्यूटीफुल, आज तो कतई नहाई धोई सी लग रही हो एकदम मलूक हो। थैंक यू सो मच, क्या बहुत बात ऐसा है, लगा आपसे तुम्हें बात करके। मेरे पास कुछ वीडियो आई है डांस की, आप शेयर कौन नहीं सी कर रहे वीडियो डांस पे, बहुत है डांस बार रहे हो। भाई साहब? अब गाइस अब खुलेगा राज, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाए और ज्यादा से ज्यादा दिखाई जाए। अब मैं दिखाता हूँ, मैं अपने कुछ पिछले काला कांडी दिखाता हूँ कि मैं क्या था। अब मुझे किसी की मजबूरी के ऊपर दिखाने पड़ रही है क्योंकि अरे ये मेरी बता, वजह से किसी की इज्जत उछल रही है। तो गाइस अब देख लो, ये मेरा सेकंड फोन है, ये मेरी रियलिटी चलेगी इस फोन पे आज लाइव पे। और पहली बात को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कहीं ना वो करे, ये मेरी गैलरी है और इसमें मैं ऑल वीडियोस पे जाता हूँ अपने। ये री कि पहले कोई इज्जत उछले, और कुछ लोगों ने मेरे भैया कह कह के, मेरे भैया कह कह के उन्होंने मेरी गांड मार ली भाई। ये भाई मैं हूँ येलो टी शर्ट में, ये आपको इंस्टाग्राम पे कुछ और दिखाएगी कि रियल वीडियो मैं दिखाता हूँ अपनी। हाँ वन टाइम दिस तो ये टाइम शेयर नहीं है, प्लीज मेरे पास मैडम वीडियो आप तो मेरी आई है। बात सुनो, मेरी बात सुनो मैडम, आप मेरी बात सुनो। आप यहाँ डेट देखो, दिसंबर 3, 2020, 9:16 ठीक है? और भाई ये मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल, ये बिहार के हैं मेरे सारे दोस्त, मैं इनकी शादी में गया था। येलो टी शर्ट में मैं आऊंगा, उस टाइम मेरे छोटे बाल थे, ये रहा मैं। आप मेरे हाथ के टैटू से मुझे पहचान सकते हो, येरी लड़की जो ये हाँ बिहार की थी। हाँ कुछ और कुछ मेरी हाँ वीडियो वायरल होगी अभी, और मैं आपको दिखा दूं। ये जो हम फुल मस्ती है ऐसे इस लड़की के साथ, हाँ आई थिंक अब मैं यहाँ पे लड़की, ये देखो ये मैं हूँ। हाँ इस टाइम मेरे पहले बहुत वाली भी छोटे बाल वीडियो है। यही ऐसे ही टी शर्ट में आप थे पहले वीडियो पे भी। अभी मैं वो आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूँ, देखो ये मेरी वीडियो वायरल की गई थी। अरे यार ऐसे लड़कियों के साथ तो अब तो किसी की इज्जत बचाने के चक्कर में मेरी इज्जत नीलाम कर दो लोग, ऐसे दीवार के काने लगा के बहुत लड़कियों को टिपे टिपे पेली, अरे चपाचप ले ली। ये रही वो लड़की, लो भाई ये तुम्हारे आज अक्की गुजर की रासलीला चलेगी बहन के लोड़े। कहाँ फंसा दिया मैं, आज वो चीज दिखानी पड़ रही जो कभी नहीं दिखाई। ये भाई मैं हूं, मैं मेरे टैटू से मुझे पहचान लो। और मैं इंस्टाग्राम पे कब आया हूं
और ये डेट देखो 3 दिसंबर 2020, डोंट एडिटिंग। अब देखो इसकी कैसी झप्पी और पप्पी लगेगी। बहन चोत कभी खुलिया ना काली, कहते पेश करी हो रानिया बो। तो ये वीडियो किसने वायरल किया आपका? बोल रहे शेरनी के साथ आप डांस कर रहे हो, कोई लड़का शेरनी के साथ डांस कर रहा है। हेलो तू रंडी है? हाँ बे बहन चोदो बाद में बताऊंगी। अरे रुको भाई देखो, ए देखो देखो भाई पीछे देखो देखो देखो, ये तुम्हारा की गुजर भैया है। अरे ये भैया बिहार का ऑर्केस्ट्रा है, ये कोई शेरनी जी नहीं है। अरे मैं इंस्टा पे अब आया हूँ, ये लड़की ऑर्केस्ट्रा की लड़की है और ये मैं हूँ। अब पहली बात तो मेरी एक बात सुनी जाए कि भाई एक बात मेरी बताओ, मेरी ये वीडियो अरे ये तो वो, टिकटॉक अरे के तो टाइम वो पे कौन थी। सा, हेलो वो कौन हाँ सा जी। भड़वा था जो ये वीडियो वायरल किया? अरे नहीं भड़वा तो नहीं बोलना चाहिए, भाई थे अपने, मैंने उसकी लाइफ पे देखा, उन्होंने मेरी वीडियो क्यों चलाई। अरे भाई ये तो तुम्हारा सरासर तुम्हारा भाई है, ये तो नहीं मैं कोई हूं, मेरे कोई हाथ का टैटू तो देख लो, मैं हूं मैं। अरे ये 2020 में तो इंस्टाग्राम पे मैं कहीं से कहीं तक नहीं था, मैं तो अभी 6 महीने का पिल्ला हूँ। ये तो मेरी मस्ती चल रही है, कहाँ से गुड़गावा की शेरनी है भाई? गुड़गावा की शेरनी तो बहुत मोटी है, बहुत अच्छी है, ये तो कम सी कली कच्चैया कली है, ऐसी गोदी में उठ जाएगी बहुत चिड़ी के। गुड़गावा की शेरनी तो किसी की गोदी में भी नहीं उठ पाएगी, मार चुट जाएगी। देखे क्या मजा, अक्की गुजर वाह भाई वाह, बहन के लोड़ भाई अक्की गुजर पूरा मजा लेता है। अरे भोसड़ी का अक्की गुजर तो मैं ही हूँ, सॉरी गाइस वो तो मैं ही हूँ, अरे ये तो ये कोई मजा नल्ले, नहीं अरे लेता तो है। ये मैं क्या बोल रही हूँ गुजर जी, ये नल्ले लोगों ने कभी मजा लिया ही नहीं ना, तो इनको मजे के बारे में एबीसीडी पता ही नहीं है, तो ये किसी को भी घुसड़ देते हैं। मेरे को भी कल एक यार कुत्ते ने धमकी भाई दिया, कल एक बा कुत्ते मेरी ने बात धमकी दिया। सुनो, पहली बात तो मेरी लाइफ मेरी, यार देखो ऐसे आता है मजा ले। अब बहन चोदो किसी की इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी उछले तो उछालो, और ये मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होके ना मेरे तो पहले ही पसला चला, देखे ऐसे छुपा चाटी करता था कि गुजर ऐसे पुलिया में भी, अब बहन के लोड़े वीडियो वायरल हो जाती थी। तुम्हारी बहन की चूत में इसको भी लगा दो कि ये इंस्टाग्राम की वो लड़की थी अक्की के साथ पूला में गई। ओ हाँ भाई साहब मोह पे हाथ जुड़वा लो रे, मोह क्यों फंसा रहे हो भाई साहब, मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई मतलब नहीं। मैम आप मेरी बात सुनो, एक्चुअली इस वीडियो में मैं था, वो मेरी 3 दिसंबर 2020 की वीडियो है, जबकि मैं अपने बिहार फ्रेंड की शादी में गया था, इंस्टाग्राम से मेरा दूर दूर का कोई मैं मतलब यहाँ नहीं पे था। गाली दे सकती हूँ क्या बहन के लौड़ों को जो मुझे नीचे गाली दे रहा है? दे सकती दो हूँ? सबे गाली दे दो, सबे गाली दे दो, अबे मेरा कोई तुम्हारी मतलब नहीं, माँ का भोसड़ा कल जो सबे मेरे गाली नाम दो। का लाइव चालू करके बोलता ये डांसर है ये डांसर है, तुम्हारी माँ का भोसड़ा, जब तुम खुद तुम्हारे घर वालों के नाम लिया जाता है, तुम्हारी गांड फटती है क्या यहाँ पे? हाँ बहन के लौड़े, मादर चौथ कहीं के, तुम्हारी ना उस टाइम पे मैटर तो ऐसा नहीं था भाई, ये तो बेफालतू की बात है ना माँ भाई, का किसी को भोसड़ा। बेफालतू का तो बदनाम ना आई करे। शेर बाप लाई भाई कंपटल, आई शेर लाई कंपटल सोनिया आई। सोनिया 2 मिनट, सोनिया 2 मिनट, सोनिया बहुत बड़ी बात है, राहुल भाई ये एक मैटर था जिस बीच में मैं बेफालतू के फंसा हूँ। मैंने सारी वीडियोस और अपने सारे कुकर्म दिखाए हैं कि वो हाँ इंसान मैं था 2020 में, तो भाई मैं इंस्टाग्राम से कहीं से कहीं तक नहीं था, मैं आया हूँ 2022 में, 21 और 20 तक तो, और ये 3 दिसंबर की बात है भाई। हाँ एक्चुअली हाँ मैं बिहार अपने दोस्त की, सोनिया प्लीज चुप रहिए, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ माँ कसम, पाम पकड़ वाला चुप रहिए। किसी की देखो बेइज्जती और इज्जत की बात है, जब किसी की इज्जत और बेइज्जती उछले ना वहां में अपना भी दिल दुखे है। और वो पूरी लाइफ पे मेरी वीडियो दिखाई गई कि ये इस लड़के के साथ ये नाच रही थी, तो भाई वो लड़का तो मैं था, अभी तो बड़े बाल हो गए, पहले तो छोटे थे, और मेरे हाथ का टैटू सारी चीज, अब मेरे फोन में मेरी वीडियो आएंगी कहां से, मैं ही तो हूं यू, ये देखो। और जिसके हाँ फोन में वो वीडियो बनेगी ये देखो भाई, ये मैं हूँ, ये मेरा पुराना फोन है, इसमें देख नहीं सोनिया क्या ये पूला में वाली वीडियो गोपा तो मैं किन्नी की समझ रहा था। देख। अरे भाई देखो दिसंबर 3 2020 वहां पे, कभी किसी की इज्जत ऐसे ना उछालनी चाहिए भाई, मैं आपको यू एक हूँ, बात मैं हूँ बोल यू। के, लेकिन शेरनी मेरे साथ ऐसी वीडियो बनाएगी
भाई देखो मेरी बात मोहित भाई ना, मेरी बात सुनो, कभी किसी के बारे में बिगर सोचे और बिगर कहे गलत ना कहे जाना चाहिए। आपने सिडनी के साथ, आप उनके साथ रहे, बहुत अच्छी आपकी मैच्योरिटी बैठी। कभी भी बेफालतू की बातों में कह के ना किसी को गाली नहीं देना चाहिए। अब ना पहली ना बात, मेरे मैंने ब्रॉड खुला चलाई मेरे ना, 3 मई 2019 की वीडियो है ये मेरी, ये बताएंगी ये 3 मई 2019 की वीडियो है, ये 3 मई नहीं, तीन तीन उसकी वीडियो है। और ये मैं बिहार गया था, ये लड़की मैंने पूरी, अरे बहन चोदी, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, कल को मेरे साथ कोर्ट में दिखाई जाए, मैं फंस जाऊंगा। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि भाई देखो, मैंने बिहार में भी, और ये लड़की नहीं और कितनी लड़की, मुझे किसी की इज्जत बचाने के चक्कर में, मैं राहुल भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जिसकी मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ ना, आप मेरे विरोध पे नहीं बोलोगे उसके लिए कुछ भी, हाँ हाँ ठीक है हाथ ओके जोड़ के विनती है, भगवान कसम खा कह रहा हूँ, नहीं ना है बोला बस। और मैं दिखा दूं बता। भाई, ये रहा अरे मुझे तो पूरा, समझ नहीं आता कि लोग सफाइयां क्यों देते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे तो यही समझ नहीं आ कि क्या ये सफाइयां देनी किसी अरे को, सफाया वायरल नहीं होगी तो होगी वो ना। नहीं मैं है। एक इसलिए बात पूछने बताओ आई हूँ। सोनिया, तुम्हारे बारे में कहीं चुत्ती वीडियो वायरल होगी और वो कहते सोनिया चुतरी है तो उसकी सफाई ना दे, अब ये तो खुश लोग हो अब जाएगी जहां पे भाई, माचिस लगी होगी, अब ये आपको तो पता खुश हो चाहिए कि मैं जाएगी। ये इसका तो बताऊं। अलग मैटर है, किसी और का तो बहुत अलग है भाई, हर किसी की इज्जत हथेली पे नहीं धरी बहन करण, वो भी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। क्यों ऐसे सोनिया क्यों को भाई भी ऐसे बहुत तुम सी बात कैसे कह बुरी सकते लगती, हो, क्यों उनकी सोनिया इज्जत उनके, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या तुम्हें, क्या लगता है अरे कि तुम मैं ऐसे कह यही रहे तो हो। बोल रहा हूँ, सोनिया हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, सोनिया भी हर जगह अपनी इज्जत नहीं उछाल सकती, इसने भी अपना वजूद बना रखा है, हर कोई भोसड़ी का उठाए गिरा है, सोनिया के बारे में आज कोई भूल जाएगा तो इसे बुरा नहीं लगेगा, ये भी गांड में हाथ दे के मुंह देगी बहन के लोड़ी की मुझे में। तो आके मैं तो अब ऐसी टुच्चे मुच्चे लोगों की परवाह भी नहीं करती, जिसको जो बोलना है, जिसकी गाड़ में गूदा है बहुत मेन बोलो, और चीज पता है बातें सोनिया उनकी जी, होती है जिनमें कुछ बात होती है, मैं तो बिल्कुल भी मेन ऐसी चीज टुच्चे सोनिया मुच्चे जी लोगों की तो होती टेंशन क्या है नहीं पता है, लेती। यही सारी बातें हैं कि देखो कुछ लोगों को कुछ चीजों का, अब हमारा आप है, हमारा आप तो मस्ती करते रहेंगे, ऐब करते रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे पास तो आज इतनी चीज शेयर हुई, मुझे बहनचोद मेरी कद की वीडियो और कहा जोड़ दी शेरनी जी के साथ में। मैं बताता हूँ भाई, मैंने शुरू से शेरनी जी की इज्जत करी, रिस्पेक्ट करी। एक बार मेरे पनौड़ी भाई के पास में बदतमीजी हुई थी, उस टाइम शेरनी जी ने मेरा मैटर सॉर्ट आउट किया था, आज वो भी मेरे भाई हैं भाई। मैं शेरनी जी की भी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, सारे इंस्टाग्रामी मेरी एक फैमिली है, मैं सबसे प्यार करता हूँ। शेरनी जी ने एक बात बोली, क्योंकि उसने वो वीडियो पहचान ली, अक्की गुजर ये तो तू है, मैंने की मैं तो, मैंने की कौन सी वीडियो में, उन्होंने मेरे फोन पे वीडियो भेजी कि ये तू है, मैंने की हाँ ये तो मैं हूँ, क्योंकि भरी लाइफ में मैं तेरे साथ कब नाची, मैंने की कब नाची, मैं तो आपसे मिला भी नहीं नाचते तो, जब मैंने की ये तो मेरी बहुत पुरानी वीडियो है, जब कह रही कि ये किसी ने दिखाई है कि शेरनी ऐसे, मतलब वो कौन सा डांस बोलते हैं उसे, उसे उसे कहते हैं वो ये इसको कहते हैं वो, रुको मैं लोना बता रही डांस हूँ, मैंने देखे हैं। बिहार नहीं में तो नहीं इसे नहीं रंगशाला बोलते हैं, रंगशाला, हाँ रंगशाला बिहार देखिए में तो रंगशाला बोलते हैं, तो ये तो वो डांस था वो जो मैंने किया था। रात को जो शादी ब्याह होती है उस पर डांस होते हैं, उसको बोलते हैं या ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा, ये भी सुना ऑर्केस्ट्रा बिहार होगा, में इसे ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, ये ऑर्केस्ट्रा था जिस ऑर्केस्ट्रा गांव में ऑर्केस्ट्रा गया था, मारे ऑर्केस्ट्रा ले था। खाजा, खच 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 मलाइका आप कैया मेरे साथ में ऐसे बात कर रहे अरे हो, माँ की मारे कसम ले सोनिया, खाजा मैं सारी वीडियो नहीं दिखाऊंगा, नहीं मैंने तो पूरी ड्रॉ झन झन झना झन करा, मेरी तो सारी वीडियो बहन की लोडी रिकॉर्ड हो जाएगी, और तुमने तुमने कंडोम भी लेकिन लगाया बिना लेकिन कंडोम के, झन भाई झन झन करा तुमने ये डांस बता। बहनचोद बर्फ तोड़ डांस करा है। भाई मैं तो भगवान कसम, कोई मौका तो दे साथ में डांस करने का, मैं तो यू तो गोदी में ही, मैं तो कंधे पर नचा दूं नौंडिया आगे मैं चल, नहीं। तेरे को तो मैं माला मलाइका को के अपने भाई की करेंगे, शादी हम दोनों करेंगे मलाइका के साथ डांस अच्छा सा। तुझे अरे आशा नहीं भी, देखो मैं तेरे कभी को मैं किसी के माला साथ को, ऐसे, सुनो अक्की, तेरे को मैं माला को अपने भाई की शादी में बुलाऊंगी, देखती हूँ कितना डांस करेगा तू मेरे साथ। माइला अगर के साथ तो अगर नहीं, क्योंकि सोनिया वो हम मेरी एक तो हमें अच्छी अपनी दोस्त है, शादी में पर बुला लेगी, सोनिया यू अगर हमने गारंटी तेरे को है शादी में तेरी, बुलाया तो पैसे लूटने लग मैं जाएंगी। तेरा 69 का कॉम्बिनेशन नौ बना दिया ना, डांस ही डांस में 69 का नौ बना दिया था, माँ की कसम नौ मक्की गुजरनी भोसड़ी के का, चल यू बात ठीक की है, डन बात है, चल डन डन, है। ये तो तेरी चाहिए भाई माइला को तो मैं एक यहाँ मेरी दी थी। फ्रेंड है, उससे साथ तो ऐसे बदते मैं वो डांस नहीं कर पाऊंगा, पर तेरे साथ 69 को डीजे वो बनाओ देख, कॉम्बिनेशन बना अच्छा दिया, वो नट नीचे से गया देख तू रही है ना अभी लाइव, जब भी दोस्त है
ना ना राहुल भाई, दिस इज माय गुड फ्रेंड, इज ऑलवेज बेस्ट फ्रेंड। लड़की देखो, मैं कभी किसी के बारे में अपनी दोस्ती को लेके कभी गलत नहीं कहूंगा ना कहवाना चाहूंगा भाई। पूरी इज्जत करती है भाई, जब भी मिलती है बहुत इज्जत सम्मान से। मायला से बात तो कराओ मेरी, मैं मायला को बोल देती हूँ ना पहले। कहाँ मायला, वो कुछ नहीं करती हो। अरे वो मजाक करती है, वो उसका तू वैसे ही आ जा। अरे आओ कभी। और भाई मेरी बात सुन लो, ये जो YouTube पे वीडियो डाली थी हमारे बड़े भाई ने, गोल्डी भाई ने, जो सीनी जी के लिए ये बोला गया था ना कि ऑर्गिस्टा पे नाचने वाली औरत है, तो भाई वो ऑर्गिस्टा पे नाचने वाला आदमी मैं हूँ, और औरत एक वहां की है जो बिहार की है जिसे मैं नचा रहा हूँ। वो सारी वीडियो आपको दिखा दी और 50 बार दिखा दी। और मैं तुम्हें बता दूं, मेरी आईडी में बहुत नीचे जाना, मेरी आईडी में बहुत नीचे जाना, वहां पे अक्की गुजर ऐसे ही काला कांडी करते हुए मिलेगा। वो अब बड़ी आईडी हो गई, ऐसे नहीं करती हूँ यार। ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली मेहनत करती है बिचारी, अपना पेट पालती है, अपना घर चलाती है, ऐसे नहीं दूसरों के मर्दों को लूटती है, ठीक है ना। ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं, वो नहीं नहीं सोनिया, वो तो गस्ती होती है, नाचने वाली भी गस्ती होती है। ऑर्केस्ट्रा वाली बहुत अच्छी होती है, और उनकी वो नहीं, वो अगर नहीं, एक ऑर्केस्ट्रा उनकी मेहनत नहीं, 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 नहीं होती, वो गस्ती यार होती। मैंने भी ऑर्केस्ट्रा में काम किया है, एक जो रंडी भी होती है ना, वो भी सो घर छोड़ के वार करती है। यहाँ कर यहाँ की तो रंडी अपने घर में ही वार करने घुस जाती है, उन रंडियों से तो अच्छी होती है वो। ऑर्केस्ट्रा सबसे अच्छी बंदियां होती है जो मेहनत करती है, आगे बढ़ती है, अपने बच्चों को पालती बिना पति के भी। यहाँ तो होती क्या है और ये दिखाती क्या है। क्यों ज्ञान चौधरी इतना, मैं ज्ञानी चौधरी, मैंने सही बोल रही है, सही बोल रही है। मैं रियलिटी बोल रही है, मैंने भी इवेंट्स किए अपनी जिंदगी में, अपने को अपना तो सो घर छोड़ के। लेकिन अरे हकीकत ही बोलते हैं, यहाँ पे तो लोग रॉन्ग बोलते हैं, झूठ बोलते हैं अपने आप को, यहाँ पे सब बोल रही है ना। और ये सीधी सी बातें, नाचने वाली की लड़कियां नहीं तो बेचारी मेहनत नहीं करती। मैं कहती हूँ करके तो दिखाए। मलाइका आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, देखो जिसकी लकड़ी है उसको लकड़ी लेन दो, आप बीच में मत डालो। नहीं मैंने मेरे पास वीडियो आया राहुल जी, मैंने तो मैंने पूछा कौन सा डांस बार है, मुझे भी। अरे देख हमने तो उस टाइम पे पूरा, मेरे को भी जॉब मिल जाएगा ना राहुल जी। ये तो मेरे हम सारे फ्रेंड्स गए थे, ये रे मेरे को भी जॉब बिहारी राहुल भाई देखो। ओ राहुल भाई ये देखो, ये वीडियो वायरल होगी भाई, अक्की भाई ये वीडियो डाल दे पे। ये देखो हम सारे बिहार में गए, यूरा में सैंडो में नाच रहा हूँ, और जो लौंडिया ही ना सारी अलग खड़ी है, वे खड़ी पीछे रंगशाला पे। अरे देखो बिहार में भी क्या गाना बजा गुजरन को, मतलब यू लगा लो वा टाइम तो ए यूरी। अब भाई ऑर्केस्ट्रा वाली कोई बुरी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है, वो मेहनत करके कमाती है ताकि हराम का खाती है दूसरे को पटा के। भाई गोल्डी अरसाना को भी किसी ने वीडियो भेजी थी, गोल्डी अरसाना को किसी ने वीडियो भेजी थी, जैसे तो प्राइवेट वीडियो भी भागी। रुको ये तो प्राइवेट भाई, बात सुनो मेरी बात सुनो भाई, मत वो मत चलाओ मेरी बात सुनो। गोल्डी अरसाना को भी किसी ने वीडियो भेजी थी, जैसे तुम्हारी वीडियो थी ना ऐसी, तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई ऐसी, गोल्डी अरसाना को किसी ने वीडियो भेज दी तो वो समझा शेयर नहीं किया। अब फैन लोग गांड पंगे लेते हैं। अरे तो वो थोड़ी ना, मतलब उनको दिखता नहीं है क्या ये शेयर नहीं है कि कौन है। मुझे तो भाई आया अगर अगर, अगर अरे अरे मेरी बात सुनो, अगर अक्की ना दिखता ना तो कोई ये नहीं कह सकता शेयर नहीं है वो। ए भाई कैसी बात कर रहे हो, ऐसे मत कहो, माँ की शेर नहीं है ही नहीं। मैं भी कह रहा हूँ नहीं है, वो तो नजरिया होता है राहुल जी देखने का। हाँ मैं भी कह रहा हूँ नहीं, नजरिया होता है। आप कौन सी नजर से कौन सी लेडीज को आप देखते हो यार। यूरियो लौंडिया देखिया शेरनी का कौन सू कौन था क्या, मिल जाएगा यूरियो लौंडिया ले या की वीडियो भी कर दूं। यूरियो लौंडिया एक मिनट रुकना राहुल भाई एक मिनट रुकिया, तो मैं एक मिनट में ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिया राहुल भाई। हाँ कोई बात नहीं एक मिनट। वो तो कितनी सुंदर लग रही है बेचारी जो डांग। अरे नहीं नहीं दूसरी जो टकली थी वो तो मलाइका टकली होने के बाद ऐसी दिख रही है, टकली थोड़ी ना थी वो, बाल छोटे थे। और भाई मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तो ऑर्केस्ट्रा सपोर्ट करती हूँ, डांस करने वालियों को, मेहनत करने वालियों को। वो किसी नहीं, वो गस्ती है, वो गस्ती है, मेहनत नहीं करती, वो किसी को लूट के नहीं खाती, वो गस्ती है। सोनिया राम राम।
मैं तो नहीं मानती भाई, तेरी लाइव इतनी शेयर हो रही है, इतनी शेयर हो रही है कि मुझे नहीं पता था कि मैंने तुझे वो वीडियो भेजने के बाद तू अपनी लाइव स्टार्ट कर देगा। चल उसके लिए थैंक यू सो मच अक्की कि तूने दूध और पानी का पानी कर दिया। बाकी बस नहीं नहीं मैं ज्यादा नहीं, मैं यहाँ लाइव पे, सुन मेरे भाई, मैं ना लाइव पे रुकने आई हूँ, ना ही मुझे कुछ चाहिए। बस ये है कि कुछ लोगों ने जो गलत फहमी, अब किसी ने ये बोला ना कि शेरनी कल्पना कुंडू की आइडेंटिटी दिखाए। कल गाइज एक मेरी वीडियो आने वाली है और कॉल भी, शायद मैं लाइव पे भी आके आइडेंटिटी दिखा दूं सबको, ठीक है, दिखाऊंगी यहाँ पे कि मैं, यस आई एम कल्पना कुंडू वाइफ ऑफ वीरेंद्र कुंडू, उसकी आइडेंटिटी भी दिखाऊंगी मैं। कुछ लोगों को चुप कराने के लिए आइडेंटिटी भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। शेरनी पहली बात तो आइडेंटिटी की कोई जरूरत नहीं है, आप हाँ। देखो जो भी हो अपने लिए हो, अपने ऊपर हो। और यार मैंने आपके हमेशा बोला पालम बिहार सेक्टर 23A393 फर्स्ट फ्लोर कुंडू हाउस, आ जाओ तुम लोग, मेरी आइडेंटिटी तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। गुड़गांव की शेरनी ने अपना नंबर वायरल है, उसका उसका गाड़ी का नंबर वायरल है, उसका घर का एड्रेस पता है। इससे ज्यादा एक औरत को कितना चैलेंज करोगे गांडू, कितना चैलेंज करोगे, डरते ना। तो इसलिए मैं बस इतना बोल रही हूँ, बहुत लाइव मेरे यूट्यूबर 3-4 है, उन्होंने कहा कि आज अक्की बहुत अच्छा बोल रहा है आपके लिए, आप उसकी लाइव पे जाओ, चाहे 2 मिनट के लिए जाओ। अरे तो कल तो कोई बोला था मैं मुंबई से उड़ा दूंगा, मैं दिखाऊ, मैं तो जब परेशान हुआ दिखाना मेरे पास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तूने क्लियर ना, ना भाई सुन, ये तुझे भी पता है मुझे भी पता है, ना मैं वो हूँ ना तू वो, तू तू मेरे साथ कभी इस तरह, पर लोगों ने इतना हवा, मैं अब यहाँ नाम नहीं लूंगी किसी का, वो ऑलरेडी 5,000 फॉलोवर कमा चुका है मेरे नाम का, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उसने कहा था ये शेरनी है, हाँ ये शेरनी है, ये शेरनी है, हाँ दिखाओ, दिखा तू लाइव दिखा, हाँ ये तो मैं हूँ भाई गोल्डी भाई, ये तो मैं हूँ, मैं नाचता हूँ, मुझे क्यों वायरल कर रहे हो, मेरी पुरानी वीडियो को क्यों उठा रहे हो भाई। अरे तो ये कवाड़ी वालों को थोड़ी ना मालूम हवा कैसे उड़ाते हैं, ये तो कवाड़ी बेचने वाले हैं ना जो ऐसे वीडियो वायरल कर। अरे नहीं नहीं मेन चीज आप ऐसा ना बोलो, जो भी मैं एक बात बोलूंगा, आप ऐसा ना बोलो प्लीज, भाई है हमारे बड़े, बाकी ये बात ये गलत है कि भाई कभी किसी को ऐसे बदनाम ना किया जाए, ये बहुत ही गलत बात है, अगर जो किसी की सच्चाई आपको ना पता हो ऐसे मत बोलो। मेरी एक बंदे को, एक बंदे को लाइव पे लेकर मैंने तुझे एक एक लाइव शेयर करी थी, एक बंदे ने अपना फेस छुपा के ऑफ कैमरा होके ये बोला शेरनी को मैं स्पा में, मसाज स्पा जो भी सेंटर होता है बहनचोद, वहां आज तक मैं गई नहीं हूँ, वहां पे 500 रुपए। एक मिनट मेरी बात सुनना, एक मिनट आप, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट शेरनी, मैं बोल दूं कि मैं इंस्टाग्राम की कोई भी लड़की हो, मैं मुझे वो स्पा में मिली, कैमरा बंद करके बोल रहा हूँ भाई, स्पा में गया, वहां 800 रुपया काउंटर पे लिए और भीतर जाकर उस लड़की ने मेरी ऑयल मसाज की और मुझसे बोला कि आप एक्स्ट्रा सर्विस लेना चाहोगे, मैंने बोला एक्स्ट्रा सर्विस में क्या होता है, उसने बोला ब्लू जॉब के 500 रुपए, B2B के 2,000 रुपए और बूब टच के 800 रुपए और सकिंग के 1,500 रुपए, अब फुल सर्विस कॉन्डोम चढ़ा के उसके 3,000 रुपए। तो भाई मैंने वो लड़की को, बहन की लोडी को पहले 1,500 दिए, फिर 800 दिए, लंड भी पियाया और सकिंग भी कराई, उसकी गांड भी मारी और वो चोदी भी, उसका नाम नहीं खोलूंगा, मैंने तो बहुत मजा लिया भाई स्पा में जाके। तो आप बता, यार इन बातों का कोई रियलिटी है, जिन जिन बंदों ने ये बोला कोई रियलिटी है, आज की डेट में नया युवक हर कोई स्पा में जाता है बहन का लोडा, ऐसी तो कोई भी, तो बहुत अंधगणित बात करने की, किसी की लड़की की इज्जत उछालने में, देखो लड़की कोई भी होगी यार, मैं एक तो मैं लड़की नहीं हूँ, पहली बात तो मैं लड़की नहीं हूँ, मैं औरत हूँ, 20 साल 22 साल के बेटे की माँ हूँ, पहली बात तो जब एक माँ की ही नहीं इज्जत होती है यहाँ पे इंस्टाग्राम में। चलो यार मेरा क्या बैकग्राउंड है तुम्हें जानना है ना, मेरा घर का एड्रेस पिन कर दे भाई यहाँ पे, कोई भी 3393 फर्स्ट फ्लोर कुंडू हाउस आ जाओ भाई, जिस जिसने आना है, नंबर वायरल हो चुका है, पालम बिहार सेक्टर 23 और यहाँ का MLA राकेश दौलताबाद, उससे पहले आगे कंफर्म करना कल्पना कुंडू कौन है कहकर, और उसका पति कौन था और क्या उनका बैकग्राउंड था, इससे ज्यादा खुल के मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं दे सकती इंस्टाग्राम में। जिसको मेरी आइडेंटिटी चाहिए, जिसको मुझे गोली मारनी है, मेरे बच्चे घर में आओ प्लीज, यहाँ लाइव पे मत बदमाशी करो, एक प्रूफ तो मैंने कर दिया अक्की, अगर तू उस वीडियो में नहीं होता ना, वो वीडियो आज लोग यही समझते कि मैं क्या हूँ कहकर, वो तो तू था उस वीडियो में, कसम मेरी तो गांड फट गई, तेरे भाईचारा ने उस वीडियो को लेके पब्लिक किया, तेरे भाईचारा ने पब्लिक किया उस वीडियो को, तेरे ही भाईचारा ने, और बता
मैं बहन चो डूब के मरूंगा अब तो। बहन जो मेरी काला कांडी भी नहीं चुप रहने दे रहे यार, आपस में लड़ाई करो, मेरी क्यों कांड मार रहे हो? अपने ही लोग करते हैं, वायरल किया था उसको, ये अपने ही लोग करते हैं, कोई बाहर वाला नहीं करते। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बीबी तो ऐसे आज इंस्टाग्राम पे बैठी है, कोई प्रूफ मिले कल को कोर्ट में मेरा तो बहन का लड़ा घर का नाश हुआ पड़ा है, मेरी तो माँ चुदने वाली है भाई, और मेरी उन वीडियो को वायरल कर रहे हैं। आज तो मैंने इतनी वीडियो इतनी लड़कियां दिखा दी, अब तो मेरी माँ चुदनी तय है, ये लाइव रिकॉर्ड होगी, अब बहन का लौड़ा जरूर ये यूट्यूब पे डलेगी, कल यू कोर्ट में चलेगी लाइव, मेरी एक तारीख की तारीख है। नहीं नहीं, ये तो अक्की था ही नहीं, ऐसा वो दिखा देंगे ना वीडियो में। नहीं वो तो मैं ही था हकीकत में, मैं लेकिन अरे लेकिन लेकिन आप ये सोचो ना, वो आप थे ही नहीं अभी, जैसे ये मेरे दोनों टैटो वायरल हो रहे हैं, ये बड़े बाकी देखो सुनो, उसमें मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि भाई मैं किसी के साथ डांस कर रहा हूँ। तुझे क्या सही और मेरी... गलत दिखा नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, वो मेरी कोई वीडियो ओयो में चोटते हुए नहीं वायरल हुई थी। अक्की मुझे अक्की एक मिनट, मुझे सोनिया से, वैसे मैंने आज तक इसे भगवान कसम भोलेनाथ की कसम, मैंने कभी शिकायत नहीं करी इससे। आज मैं तुझसे सोनिया एक चीज पूछती हूँ, मैंने कभी तेरे बारे में कुछ गलत बोला आज तक जिंदगी में? नहीं, एक बार हमारी जब भैंसबाजी हुई थी वो बहुत टाइम पहले मैंने, हाँ वो क्या बोला था उस टाइम, एक वीडियो दिखा दे जहाँ मैंने तेरी बेटी को गलत बोला था, तूने बोला मेरे पास नहीं है, तूने ये मैंने ये बोला, तू जो लाइव में बैठ के अपने आप को बोलती ना मैं ये करती हूँ अपना, वो जो भी तू काम करती है ठीक है, वो तेरा मैटर है, वो तेरा लुकआउट है, मैं किसी को रोकती नहीं हूँ, मैं होती कौन हूँ, वो तेरा लुकआउट है, तू क्या करती है, पर मैंने बोला लाइव पर आकर ये खुल्लम खुल्ला मत दिखाया कर, बहुत और औरतें होती हैं जो ये सब काम करती है, तू मत कर, कल को तेरी बेटी है बहुत छोटी, कल को स्कूल जाएगी, बड़ी होगी कॉलेज जाएगी, वो क्या कहेंगे दोस्त उसके बच्चे को, तेरी माँ को हमने यूट्यूब में ऐसे देखा था, तो तब मैंने तुझे समझाया था, तू ना उस बात का गलत रिएक्ट लिया, उसके बाद तेरी मेरी व्हाट्सएप में बात होती है, तू मुझे क्या बोल रही है लाइव में बैठ बैठ के, अगर तू मेरे लिए अच्छा नहीं बोल सकती ना तो आज के बाद मेरे लिए जितना बुरा बोलना है बोल, पर मैं पलट के तुझे कभी गंदा नहीं बोलूंगी। अरे मैंने कब बोला तेरे को? बोल जितना गंदा बोलना है तुझे मेरे लिए, और बता मैंने कब बोला बता। यार तूने लास्ट टाइम फोन किया था शेरनी, मैंने तेरा नंबर वायरल नहीं किया, लोग मैंने कहा मैंने तेरा नाम लिया किसी लाइव में बोला, मैंने ये बोला चिल आउट कर एंजॉय कर, यही बोला, तुझसे कुछ सवाल किया मैंने, तूने बोला अपना घर दिखा, मैंने तुझे वीडियो कॉल में पूरा अपना घर दिखाया ठीक है। हाँ मत मत, जब तू अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकती मेरी जान, उस भोलेनाथ उस परमात्मा से डरो, उसके लिए बुरा भी मत बोलो, बच्चे सबके हैं, अच्छे हैं बुरे हैं सबके बच्चे हैं। बोला बता मैंने किसको बोला? बस आज मुझे टारगेट किया जाता है, तू बच्चियों के लिए गलत बोलती है। अरे मेरा पति मर चुका है, मेरा इकलौता बेटा, उसको बोलते हैं बहनचोद, गणवा बना के ना गांड मार के 100 लंड घुसा के तेरे बेटे के गांड में गोली चलाएंगे, तो बहनचोद मां चीर दूंगी उन सारे आदमियों को। मैं अपने बेटे से कितना प्यार करती हूँ बहनचोद, पूरी दुनिया आग लगा दूं मैं ऐसी औरत हूँ बहनचोद, फिर जाना पड़ जाए मुझे जेल, फिर मुझे प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए पूरी गुड़गांव की। जिस औरत का आदमी मर जाए ना गोली खा के, उसका बेटा कितना प्यारा होता है वो किसी माँ से पूछ के देखो। और इनके बेटियों के लिए गंदा बोलो तो इनके गांड में इतनी खुजली होती है कि मेरी बेटी के लिए गंदा बोल दिया। अरे तो मेरा बेटा क्या रोड चलता है? क्या रोड चलता है क्या? जाट और पंडित का बेटा, मिक्स बीज है वो, मिक्स बीज जिसे कहते, तुम कुछ भी बोलना मुझे पंडित की बेटी हूँ, आचार्य की बेटी हूँ, और पति मेरा जाट है, पूरा प्रूफ है बहनचोद, जिसने अनप्रूफ करना है ना मुझे पालम बिहार में आके दिखा दो, और राकेश दौलताबाद एमएलए से बात करके दिखा दो, तब मैं मान जाऊंगी तुम्हें, तुम असली हो यहाँ पे बहनचोद, नकली गुंडे बदमाश बन रहा है। और बता तू 47 कल लाइव पे दिखाऊंगी, है तेरी औकात 47 रखने की? रुको तो सही। अरे लेकिन मैंने तो इनको गाली भी नहीं दिया, ये तो मुझे मरवाने का नाम ले रहे थे गोल्डी जी कल। अरे सुनो गोल्डी, मेन चीज गोल्डी भाई अपना भाई है, ऐसी चीज वो मत करो ठीक है, जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है, जब मैं मेरा लाइव चालू करूंगी तो वो भी दिखा। देखो जो भी आपका बीच का मैटर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई वो सब खत्म करके ना, ये सारी चीज अपने आपसदारी में होगी, गलती होगी, वो चीज बहुत गलत थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हो जाता है शेरनी जी, कभी कभी कभार गर्मा गर्मी में ना आपसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से होती है, कुछ छोटी सी गलती आपसे होगी होगी, कुछ छोटी सी भाई से होगी होगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भगवान कसम इस बात को थूक दो बेकफालतू में, दुनिया मजा ना ले इस बात का, इसे कहानी खत्म करो। और गोल्डी भाई उस वीडियो में मैं था,
मेरे फोन में ऐसी 50 वीडियोस लड़की के साथ एक नहीं। अरे मेरे भाई, कल मैंने रात को मैटर 10 बजे खत्म कर दिया था। मैंने बोला कि 3 दिन हो गए भाई, 3 दिन से ज्यादा मैं कंट्रोवर्सी नहीं खींचती हूँ भाई, अब तू एंजॉय कर, मैं बंद कर रही हूँ। और गोल्डी हर्षाना को मैंने चौड़ में बोला, गांडू बोला बहुत चौड़ में, कि तू मुझे नहीं मरवा पाया, अब तू है गांडू। उसके बाद उसने 12 बजे लाइव ऑन करके ये वीडियो दिखाता है, ये वीडियो कि शेनी डांसर है, बार डांसर, इसने अपने पति को मरवाया, ये इसकी दूसरी बीवी है, ये फलाना डी। अरे बहन तो इससे कुछ नीचा गिरेगा तू? कुछ और है तेरे पास कुछ बोलने के लिए? और है विद प्रूफ, ढंग से लिया, प्रूफ ढंग से लिया, मजा नहीं आ रहा था तेरे बातों में मजा। जब मैं चुप हो गई हूँ तो तू क्यों लाइव ऑन करके बकवास कर रहा है अब? अरे उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं, मुझे तो आज पता इसको करारा जवाब दो। वायरल होने वाला इंसान मैं हूँ और सिंडी के साथ वायरल होने इनसे इंसान मैं हूँ बेंच। अरे यार तीन दिन करके अक्की उसने 5,000 फॉलोवर बढ़ा दिए, इस वीडियो के वायरल में तेरी भी 5-10,000 फॉलोवर बढ़ जाएंगे, टेंशन ना ले। और बता। अरे भाई मुझे वायरल ही नहीं करनी अपनी वीडियो, मुझे तो पता भी नहीं। गोल्डी भाई अभी मेरी लाइफ पे थे, मुझसे बोल रहे थे एक वीडियो तूने डिलीट मार दी। वो वीडियो थी अभी मैं ऋषिकेश गया था, मैंने उस पे डांस कर रहा था, छज्जे ऊपर खड़ी लिखा पे तले तू आ जा न, मैं और मेरा दोस्त पी के डांस कर रहे थे। वो इंस्टाग्राम ने मेरी वो वॉइस जो है वो बंद कर दी, तो वो वीडियो मैंने डिलीट मार दी। और ये मैं दिखाऊं आपको, ये मेरे आज तक भी इंस्टाग्राम पे अभी भी वो वीडियो है, पर आप लोगों को नीचे टट्टे नीचे मैसेज कर रहे हैं, कोई मैसेज पढ़ रहा हो तो बता दूं, मैं मैसेज पढ़ रही हूँ, टट्टे मैसेज कर रहे हैं, अकी तू गलत कर रहा है, ठीक है? ओ बहन चोदो, ओ टट्टो और मेरी टट्टी चाटने वाले टट्टो, मैं सिर्फ शेरनी ने चैलेंज किया था 3 दिन में शेरनी को मरवाने के लिए, अकेली औरत ने चैलेंज किया था रोहित राठी और गोल्डी हर्षाना को, जब 3 दिन में उनका चैलेंज कंप्लीट नहीं हो तब मैंने इंस्टाग्राम में उनके नाम की लाइव बंद कर दी। मुझे यहाँ फालतू के बदमाश नहीं चाहिए। मैंने अपने गली में 2 कुत्ते पाल रखे है, वो भी अपने आप को बदमाश बोलते है, पता है तेरे को? उनको भी मैंने गन लेके दे रखा है, कुत्तों को भी, कि जो कोई आए ना मेरे घर के बाहर ठोक देना उनको, बहन चौधों को बिना पूछे। बड़े आए इंस्टाग्राम के गुंडे माधर चौद, बिना मतलब कोई सीन नहीं आखी का, और मेरा उसके वीडियो को उठा के डाल दिया और बोल दिया बहन चौद ये डांस बार। अबे यार क्या बोलूं मैं यार, लेकिन ये डांस बार है ही नहीं, क्या क्लास होती है वहाँ पे, या गया भी है? अरे वो तो एक स्टेज हो रहा है, स्टेज हुआ है, कोई डांस बार कोई बुरा नहीं होता। और ये जो मर्द अपने आप को दूसरे दूल्हे बनते ना, यही सबसे ज्यादा औरतों के, वहीं जाके उनकी चुचियों में हाथ डाल के उनको सोकर। ओए तेरी सोनिया, मैंने ना